मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि आप बेहतर कैसे बनेंगे। अध्यात्म अच्छा इंसान बनने का विज्ञान है, इसको हमारे ऋषियों ने कहा। अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म का मतलब होता है कि हम एक अच्छे इंसान बने, और अच्छा इंसान बनने का नाम ही अध्यात्म है, चाहे आप जिस मेथड से बने। लेकिन हम लोगों ने अध्यात्म को क्या बना दिया? भगवान को फंसाने का विज्ञान, कैसे उनको फंसा सकते हैं? नहीं कैसे फंसिएगा, हम बिहारी हैं, अच्छे अच्छे को फंसा लेते हैं, मोदी जी को भी फंसा लेते हैं, भले बाद में मोदी जी जो सोचे, लेकिन तत्काल तो फंसा ही लेते हैं, ताली मारते हैं और वो गदगदा के बिहार से जाते हैं। लेकिन साहब, भगवान किसी से फंसता नहीं है, हम आप मूर्ख हैं। अपने दुनिया के हम बड़े जामबाज खिलाड़ी हो सकते हैं, चालाकी चालाक, भगवान उन चीजों को नहीं फंसता। और अब इसको प्रूफ भी नहीं करना है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, अब तो विज्ञान ने भी इसको माना है, गायत्री मंत्र के प्रभाव को एम्स ने माना है। आज के दैनिक जागरण को अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ते हैं आप लोग पेपर ऊपर पढ़ते हैं? नहीं साहब, पेपर पढ़ने का फुर्सत कहाँ है, हम लोग तो दूसरा ही चीज पढ़ते रहते। आज का दैनिक जागरण पढ़िए, सबसे अंतिम वाले पेज पर इसरो के एक वैज्ञानिक का पूरा रिसर्च निकला है, मंत्र पर, मंत्रों के फ्रीक्वेंसी पर, और मंत्र के वाइब्रेशन कैसे पदार्थ में कन्वर्ट होता है, ये पूरा निकला है, पढ़िए। वो हम नहीं कह रहे हैं, वो इसरो के वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं। अब आप किस चीज के वैज्ञानिक हैं? आप भी कम नहीं हैं, आप बिहारी वैज्ञानिक हैं? कितना डंडी मार के आए होइएगा यहां पर, और मारने का आगे प्लान भी बना रहे होइएगा, ये तो खाली हम लोग सुनने आ जाते हैं। आपका नाम क्या है? सुननमा। जितना सुनाना है सुना दीजिए, अभी आपका सुनेंगे, फिर मोदी जी का सुनने जाएंगे, वहां भी सुनेंगे, हम लोग सुनते ही रहते हैं, हमारा काम है सुनते रहना, करना वो देखेंगे टाइम मिलेगा तो। हम लोग क्या हैं? युवा हैं, सुनने वाले युवा, जितना चीज सुना देना है सब परोस दीजिए, जब करने की बात आएगी तब वो नहीं हो सकता। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? करना पड़ेगा। कोई किसान कहे कि जितना ट्रेनिंग देना है दे दीजिए, कैसे बीज बोना है, कैसे ये करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे खेती करना है, आप सब सुना दीजिए, लेकिन साहब करने की जब बात आएगी तो नहीं साहब, नहीं करेंगे। तो लाभ मिलेगा? लाभ नहीं मिलेगा। आप किसी जिम खाने में जाते हो, जिम में जाते हो, और वहां सब चीज पूछ लो आप, अच्छा इस मशीन की क्या उपयोग होता है, देखिए ये मसल्स बनाता है, अच्छा इसका ये वाला जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो करा रहे हैं, इसका क्या मतलब, ये बनाता है, ये बनाएगा, अच्छा ठीक है, ये जो दौड़ा रहे हैं आप ऐसे ऐसे वाला वो मशीन, इसका इसका ये वाला है, अच्छा लगा, अच्छा से समझा दिया आप, कब से आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं हम तो देखने आए थे। आपकी कुछ हालत ऐसी नहीं है, आपकी कुछ हालत ऐसी नहीं, हम सुनाते रहते हैं, निशांत रंजन सुनाते हैं और भाई लोग सुनाते हैं, और जब हम पूछते हैं, अच्छा भैया पिछले संडे को आप आए थे? हाँ भैया, दो संडे से आ रहे हैं लगातार, बहुत अच्छा लगता है। आप और लोग जब बोलते हैं तो भीतर तक चुभ जाता है। अच्छा जब भीतर आपका चुभा सुइया चुभता है तो लाभ देता है, हम लोग वाला चुभता है तो कुछ हुआ शुरू? नहीं भैया, वो तो नहीं हुआ, कोशिश किए थे 20 मिनट के लिए, हमने कहा ध्यान करो, गायत्री मंत्र करो, आप कह रहे हो कि चुभा भी हमको, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला और आप वो नहीं कर पाए। अब आप कल्पना करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। जो व्यक्ति समझाए हुए चीजों को 20 मिनट नहीं कर सकता है, वो रेलवे में नौकरी ढूंढ रहा है,
बैंक में नौकरी ढूंढ रहा है और बड़े बड़े सपने को लेकर बैठा हुआ है, तो सपना देख सकते हैं कौन वाला? सपना चौधरी वाला। देखो हम बैंक में प्रवेश कर गए, कंप्यूटर सामने में है, दबा रहे हैं, हम मैनेजर बन गए, ब्रांच मैनेजर बन जाओ भाई, कोई सोचने से कोई हमको रोक सकता है क्या? लेकिन मेरा जहां तक सोचना है कि ऐसे युवा जो 20 मिनट भी किसी चीज को समझ लेने के बाद भी ना समझे तो कोई बात नहीं, और उसको करने तक को तैयार नहीं हो, और वो युवा रेल में, बैंक में, सेना में विंग कमांडर, और वो अभिनंदन हम ही बन जाएंगे और हम भी ऊपर से कूद जाएंगे। अच्छा आप कैसे युवा हो? आप मोमबत्ती निकालने वाले युवा हो, बस साहब ये मैं 20 मिनट की बात कर रहा आपसे, मैं ज्यादा तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं 20 मिनट अपने कमरे में अपने लिए, वो भी अपने लिए, हमारे लिए नहीं। ये भी होता देख ना रे कितना तेज है ना, अपना ला 20 मिनट हमारा सबसे फुसला के निकलवा लिया नहीं रे। ये भी अगर बात होता तो होता कि साहब इसका इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है इसलिए इतना जोर मारता है ये। मान लीजिए जो बात हम लोग आपको समझा रहे हैं इसमें अगर मेरा स्वार्थ कुछ होता तो आप कह सकते थे देख ली रे कितना तेज हले, कल के 20 मिनट हैं वे तोरा कहे थलियो बुझली नहीं, तू हमने चीना ही ने उज्जर कुर्ता पजामा पहन के आयल हले देख ली। अब जहां इतने साथ तो आपके क्या भविष्य देखा जाए? आप जाते हो ज्योतिषी के यहां हाथ दिखाने, मेरा ग्रह गोचर, हम तो थोड़ा देख के पकड़ लेते हैं कि तू कुछ ना करमी, यहां से जय में दिल्ली और दिल्ली में पाल में बिल्ली, कुछ ना हो तो हम तो दिल्ली घूम के आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जो इंसान 20 मिनट की बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो अपने को युवा कहता है ना, वो युवा है आप जितना सुना ना अब बैठवे किए तो सुनना ही पर सुन ले। भोरे उठा दिया था आज पहला दिन आए, कहा चल चल आ गए यहां, बहुत कृपा किए कि आप आ गए, नहीं आते तो हमारा बिल्डिंग छोटा पड़ जाता, गायत्री माता नाराज हो जाती, आपने इतना एहसान किया है आके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात सुन लीजिए, हम भी आपका भविष्य आपको बता रहे हैं। जो युवा 20 मिनट नहीं अपने लिए निकाल सकता है वो नौकरी का सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि आपके आप आपको हम क्या कह रहे हैं, कितना मिनट अपने लिए निकालना है? मेंटल फिटनेस, अगर आप मन लगा के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस, और स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? मेंटल फिटनेस। और मेंटल फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मेडिटेशन करना, गायत्री मंत्र करना। इससे क्या होता है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और आप जानते हो अपने यहां कहावत भी है, मन चंगा तो मन चंगा, चंगा मतलब अच्छा, तो मन अच्छा होगा तभी तो पढ़ने में भी मन लगेगा। तो ये 20 मिनट आपको हम क्यों कह रहे हैं, 20 मिनट आपको क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि आपका मन अच्छा होगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, और पढ़ने में मन लगेगा तो रिजल्ट आएगा बढ़िया, इसमें मेरा भला कहां है? आपका रिजल्ट आएगा तो पैसा हमको दीजिएगा, हमको तो नहीं देने आइएगा, पूछवो नहीं कीजिएगा, रास्ता में कभी कभार मिल जाएंगे, भैया हम भी युवा मंडल में जाते थे, कभी सैलरी दिए युवा मंडल में? नहीं सैलरी नहीं दिए, हम दो चार बार समोसा आपके यहां खाए थे युवा मंडल में मिला था, खाए लेकिन दिए नहीं, मैं जानता हूं हम, आप नहीं दीजिएगा, आप बहुत तेज आदमी है, बहुत साथी रहे, मिल गया तो आपका मेरिट। इसलिए भाई मेरे, मैं यही बात बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि अपने लिए कम से कम कितना समय निकालना है? 20 मिनट। ब्रश करने के लिए आप समय निकालते हो, स्नान करने के लिए समय निकालते हो, मन को साफ करने के लिए भी समय निकालो, मन की सफाई। दुनिया में यह विज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के पास था,
दुनिया में लोग शरीर की सफाई, चेहरे की सफाई, चेहरे को कौन कौन वास, फेस वास, कौन वास, तरह तरह का वास, क्रीम, लोशन, क्या क्या सब आ गया है, लेकिन ये तो ऊपर से है। और भीतर, भीतर तो भैया हलचल मचल है। तो भीतर के हलचल को कंट्रोलिंग, और भीतर वाला हलचल अगर ठीक हो गया है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनको बड़ा काम करना है, बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना है, अगर उनके भीतर आपके तरह हलचल मस्ता रहे तब चाचा क्या बोलेंगे, चाची तो आज बोल दी। तो ये अगर इस तरह के हलचल कहने वाला कहेगा लेकिन आप पर असर न हो उसका, ये दुनिया है। पीने वाला जब पी लेता है उसको कुछ भी कहिए उस पर कोई असर होता है? वो हंसते रहता है, क्या बोला तुम, अध्यात्म इसी का नाम है। अगर वो सबकी बात सुनने लगे और सबके बात में होने लगे तब तो उसका मेंटल डाइवर्शन होने से कोई रोकेगा? तो कंसंट्रेशन पावर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे होगा कंसंट्रेशन पावर? सब कूड़ा कचरा दिन भर सबका सुनते रहिएगा तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा? अब दुनिया है उसी लौज में आपको रहना है, दिन भर में आके एक कचरा फेंक के चल गया, जान ले रहे, एक से एक चीज हले देख के। अब कचरा, आजकल कचरा गाड़ी घूम रहा है, सुबह से हल्ला मचाते चल रहा है, अब वो कचरा आया आपके घर में फेंक के चल गया और आपके माइंड में वो कचरा चला गया। अब इस तरह के 10 आदमी दिन भर आपको कचरा देने वाला मिल गया तो आपका मन ठीक रहेगा कि गड़बड़ रहेगा, सो बताइए। इसलिए मन की सफाई, हमारे वेद में ऋषियों ने सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान दिया? मन की सफाई। और स्टूडेंट के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी नालंदा गए हैं? नालंदा का खंडहर देखने कौन कौन लोग इसमें देखे बताइए? बिहार में रह के नालंदा का खंडहर देखने आप लोग नहीं गए? मैं नालंदा 2-3 बार गया, वहां खंडहर जो नालंदा का है, तो वहां जो गाइड लोग होते हैं समझाते हैं कि कहां क्या। 10,000 स्टूडेंट वहां पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, कितना? 10,000। और 10,000 स्टूडेंट का टाइम टेबल था, मेडिटेशन कराने का जगह बताया गया, योगा कराने का जगह बताया गया, मेंटल, तभी यहां के पढ़े हुए लोग पूरे दुनिया में नाम कमाते थे। अगर अपने मस्तिष्कीय क्षमता को विकसित करना है, अपने पढ़ाई के लिए यूज करना है, अपने कैरियर के लिए यूज करना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए क्या? मन की सफाई। तन की सफाई तो आप कर ही लेते हो, और ज्यादा अगर महकता रहता है तो मार भी लेते हो। पहले के लोगों का नहीं महकता था तो कि ईमानदार होते थे, आज के लोग बेईमान हो गए हैं तो ज्यादा महकता है, तो ज्यादा पहले ही सब था मारने वाला। मैं नहीं मारता क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूं, भगवान के साक्षी में कह रहा हूं, मैं नहीं मारता, मारते हुए देखते हैं तो मन करता है थोड़ा बिगाड़ देकर। इसलिए भाई मेरे, अगर स्टूडेंट का वो खाली, आप ये कल्पना कर रहे हैं आज के जमाने में कि पन्ना उन्ना पलट के रगड़ के ढुक जाएंगे, भगवान भला करे, भगवान आपका भला करे। आपकी स्थिति, अगर अपनी स्थिति अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए मन की सफाई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन की ताकत। और इसी बात को आज उस विज्ञान में समझाया गया है, दैनिक जागरण में जो छपा है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने को मन से स्वस्थ कैसे रखें, मन को हेल्दी कैसे बनाएं। छोटे छोटे बच्चों को भी मेडिटेशन कराइए, ध्यान कराइए, उससे उनका IQ, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाए। 20 मिनट निकालना है, इन बच्चों पर प्रयोग कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा गंदगी नहीं होता है, इसलिए उनका ज्यादा सफलता मिल रहा है। रात में मैं न्यूज सुन रहा था, जी न्यूज, तो उसमें ये दे रहा है, देखिए इंडियन लोग कैसे होते जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, जानते हो? नहीं, बड़े भोले लोग हो। तो ये दे रहा था कि विदेशों में लोग अब इसको अवॉइड कर रहे हैं, किस चीज को? लिव इन, और इंडियन लोग उसको एडॉप्ट, जबकि वो इंडिया का चीज नहीं था, वो उन्हीं का था। ये बदबू फैलाया हुआ लिव इन रिलेशनशिप किसका था? विदेशी लोगों का था, लेकिन वेस्टर्न को हमने अपना लिया और वेस्टर्न अब इसको इनकार कर रहा है। तो उनका जितना गंदगी है हम लोग लेने को तैयार हैं, दे दीजिए, हम तो इसी के लिए बैठे हुए हैं। यहां स्वच्छता के लिए हमको सिखाया जा रहा है कि आप स्वच्छ रखिए, और उन लोगों को विदेश में
स्वच्छता के लिए सिखाए, वो स्वयं कल्चर्ड है कि वो गंदगी कहां फेंकना है। और आप लोग, हम लोग अभी मोदी जी का भाषण में कितना लोग खा के वहीं फेंक देगा। कहने का मतलब यह है, समझने का मतलब यह है, इस राष्ट्र को कैसा युवा चाहिए, कैसा युवा चाहिए, एक मॉडल युवा चाहिए, एक एक युवा को देख के लोग प्रभावित हो सके। नहीं साहब, ऐसा युवा चाहिए कि ऐंठ के चलने वाला चाहिए, ऐंठ के बोलने वाला चाहिए। नेता लोगों को कैसा युवा चाहिए? अरे भैया 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 200 रुपया भैया। हम तो कभी कभी देखते हैं तो हमको दया लगता है, एक से एक मुस्टंडा सा मुर्गा का जूस पी पी के बैठा हुआ है सब युवा। ऐसा युवा तो यहां देखने को इक्का दुक्का, जैसे भैया हैं आगे बैठे हुए, निशांत रंजन जी हैं और लोग हैं, कुछ लोग ही मिलते हैं हमारे युवा मंडल में। हमारे युवा मंडल में ऐसे बड़े कम संख्या में, हम भी दुबले पतले हैं तो हमारे साथ ही भी दुबले पतले ही लोग हैं। और नेता सब कहां से जुटा लेता है वैसा वैसा खोज के, हम तो कभी कभी उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, ऐ लाल लाल चेहरा। हम सोचते हैं कि क्या खाता पीता है रे बाप हमार लइकन सब के, ई टेर हो गलो चाचा। और उतना ही नहीं है, एकदम कड़ाकेदार कुर्ता पैजामा, उजर का एगो जूता मिलता है यहाँ विधायक फ्लैट में, उजर जूता देख में भैया कहें जाइयो। मन उस समय करता है क्या कहें आपको, अरे हवागा तुमको नहीं बोलने आ रहा है। नेता बना हुआ है, नेता बना हुआ है, तो भविष्य का आपका नेता कैसा होगा? ऐसा ही होगा, लुच्चा लफुआ चोर बनोल। कौन बनाया? आप बनाए। हम जैसे हैं हमारा नेता सही, जैसा चेहरा रहेगा वैसा ही ना दर्पण में नजर आएगा। तो बढ़िया क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का विचारवान सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों का तो कहानी पड़ता है। पटेल जी का जब कपड़ा फट जाता था तो वो सिलाई होता था, आज 30 दिन के लिए 30 कुर्ता पैजामा है, दोबारा नहीं पहनते हैं लोग। कितने लोग ऐसे हैं, लगभग लोग, कितने क्या लगभग लोग हैं। इनको कुछ नहीं करना है, इनको लोगों को बेवकूफ बनाना है, समझे? जात वाला ठप्पा लगाइए, फिर हमार बेटा बन तो एक बाद हम लोग, भैया तू लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, जिलेबी की तरह से व्यवस्था बन ले, कचौड़ी नीतीश हलवा आज पेपर में छपा है, हमारे ऊपर दोष मत लगाइए। आज पेपर में छपा है कि लोग नीतीश हलवा का आनंद लेंगे, दैनिक जागरण में हमको हंसी छूट गया। मोदी लड्डू है और न जाने क्या क्या, तो आप खाओ, वो जानता है ये खाए पिएगा, ये बैल है, इसको खिलाओ पिलाओ, ये बैल है, बैल। बैल को कोल्हू में देखे हैं कभी? आप पीछे से हेंगा चलाने वाला ला 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 ला। तो बन तोरा में वह बुद्ध, हम सिखा रहे हैं गायत्री, क्यों तुम बैल नहीं बनो, तुमको हेंगा मारे तो उल्टा कहे के हेंगा मारेगा तो हम उलट के लात मार देंगे तोरा। तो हम समझा रहे हैं जो इससे आपका भला होने वाला है, तो हमारा नहीं, हमारा हमने भीड़ देखिए नहीं है। आ देखिएगा अभी गांधी मैदान में, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। तो मोदी जी तो जिंदाबाद है ही, हेलीकॉप्टर से घुमा है तू। हम विरोधी नहीं है, हम लोग भी सब लोगों के, सब जितने पक्ष विपक्ष के हैं सबके सपोर्टर हैं, वो देवता हैं आज के। भाई लेकिन मेरा साफ साफ कहना है, मैं जब देखता हूं इन लोगों का थोबरा, वहां भी देखिएगा ए मोटरसाइकिल पर, अरे चुहरवा क्या मिलेगा तुमको। ये नहीं कि नहीं सुनना चाहिए, नहीं मैं ये सब बात हम पर नहीं, जाओ सुनो अच्छी बात, लेकिन मेरे कहना व्यक्तित्व वाला युवा,
पर्सनालिटी वाला युवा, एक एक युवा हजार हजार युवा को प्रभावित कर सके, लाख लाख युवा को प्रभावित, एक ही मोदी इस राष्ट्र से काम चलेगा? मान लीजिए कि एक मोदी जी से इस राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा, ऐसे लाखों मोदी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, बेटा रामकृष्ण परमहंस को एक विवेकानंद से काम चल गया होगा, मेरा काम एक विवेकानंद से नहीं चलेगा, मुझे तो लाखों की संख्या में विवेकानंद चाहिए, लाखों की संख्या। कहां से आएगा? वो फैक्ट्री ही बंद हो गया है, अब तो विवेकानंद के बाद दूसरा ही विवेकानंद बन रहा है रूम में बैठ के। हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये लड़का आईएएस बने, आईएएस बन के भी विवेकानंद नहीं साहब, उस आईएएस से आप मिले हो, ईमानदार है, उस आईपीएस आईएएस नाम हो जाए देश में, ऐसा बैंक में जाए तो बैंक का ऑफिसर पूछे कि साहब बैंक का इतना रेटिंग कैसे बना, अच्छा कर दिया, देश के विकास में उसकी भूमिका हो, आज का विवेकानंद ऐसा हो। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, नहीं जलेबी खाओ, जलेबी खिलाओ, तुम भी खाओ, नीतीश हलवा खाओ, मोदी लड्डू खाओ, तो खाओ खाओ और खाओ, नहीं मन है तो जबरदस्ती खाओ, झंडा लो एगो, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं झंडा लेने के भी विरोधी नहीं हूं भाई, ऐसा नहीं हम पर आरोप लग, कुछ समर्थक लोग बैठे होंगे कहेंगे भैया तो आज रगड़ दिए लगता है, मैं ऐसा नहीं कहता, आप अच्छा है आप जाओ आओ, मेरा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन मैं कहता हूं उसका मतलब भी समझाओ, क्या ये 200-200 रुपया 100-100 रुपया लेके चलने वाला युवा भविष्य के भारत का निर्माण कर सकता है क्या? क्या ये मोटरसाइकिल पर, क्या इस युवा से क्या उम्मीद किया जा सकता है? तो हम भी लफुआ, तुम भी लफुआ, लफुआ लफुआ भाई भाई, भारत कैसे लोगों का देश है तो लफुआ लोगों का देश, बिहार उसमें एक नंबर पर है। ये मटेरियल मिलता कहां है? लौज में। कितना ले में? जितना खोज में उतना देबो। माल भाई हम दुकान खोले हुए, जितना लफुआ माल चाहिए हमारे यहां, क्वालिटी अलग अलग है, ए बी सी, कैसा वाला क्वालिटी चाहिए, ए लफुआ चाहिए तो आपको सैदपुर के क्षेत्र में चलना पड़ेगा, बी चाहिए तो मुसल्लपुर के तरफ चलना पड़ेगा, सी चाहिए तो महेंद्रू के तरफ चलना पड़ेगा, हर क्वालिटी अलग अलग है। जैसे अंगूर नासिक का अंगूर का स्वाद अलग होता है और क्षेत्र का अलग होता है, उसी तरह बिहार में हर तरह के लफुआ पाए जाते हैं, वैरायटी अलग है। और एकदम शुद्ध युवा चाहिए क्वालिटी वाला, तो युवा मंडल चलना होगा, भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में भी लोग डिमांड करेंगे कि मुझे कुछ पर्सनालिटी वाला युवा दे दीजिए, मेरे यहां तो कोई है ही नहीं है, सब मुर्गा छाप है, बीरी बम है, बम है आपके यहां? नहीं साहब, मेरे यहां तो परमाणु बम है, दिखने में साधारण लगेगा लेकिन गिरेगा तो विस्फोट करा देगा, कितना चाहिए? 2-3 भी दे दीजिए, अच्छा देखते हैं बढ़िया स्तर का तो थोड़ी ना उसमें, यही लोग जाएगा, कौन संभालेगा देश को? यही लोग संभालेगा। इसलिए भाई मेरे, आप अभी 20 मिनट को समझ नहीं रहे हो, ये 20 मिनट ही भविष्य में सारा खेल करने वाला है, और अभी आपको लग रहा है कि अच्छा पूजा बतल के नहीं रे, हाँ रे हाँ रे, पूजे बतल के सुनमी उचक्का चोर सब कहां के, आप लोग बड़े अच्छे लोग। पिछले दिनों फरीदाबाद से एक लड़की हमको मैसेज की, हमारा सुनी होगी वो वीडियो, कही कि आप लोगों को बेइज्जत करके इज्जत देते हो। तो मैंने कहा साहब हमारे गुरु ने हमको सिखाया है बेटा जमाना उल्टा है और उल्टे जमाने को ठीक करना है, तो उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा, उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा, ये सीधे भाग। अच्छा ये सुनिए, आज के जमाने में अभी तो सुबह का समय है, भीड़ कम है, शाम में दोनों फ्लोर हाउस फुल चलता है, आज के जमाने में जींस पहन के पलथी मारते कहीं सुने हैं युवा को? लेकिन देखिए हमारे यहां बैठा है सब टाइट टाइट पहन ले, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? इसलिए भाई ये 20 मिनट वाला युवा है, ये 20 मिनट जो अभी अभी जो अभिनंदन क्या नाम था ओकरा हो, अभिनंदन कितना मिनट में F-16 को गिरा दिया, 86 या 87 सेकेंड दिखा रहा है, 90 सेकेंड में,
अरे साहब, जिस राष्ट्र का युवा 90 सेकेंड में अमेरिका के टॉप F-16 और आपका मीग 60 वाला जमाना वाला लेके उड़ा और लेटेस्ट वाला को उड़ा दिया, हमें ऐसा युवा चाहिए ना, हमें ऐसा युवा चाहिए ना। तो ये 20 मिनट जो अभी आपको बताया जा रहा है, इस 20 मिनट का भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। सारा ग्रह गोचर आपके फेवर में काम करेगा, कहेगा ये 20 मिनट वाला है, ध्यान करता है, गायत्री करता है, मंगल डरे आपके कमरा में जाएगा नहीं, शनिचर दूर से ही देखेगा, नहीं रे गायत्री जप है। तो भाई मेरे, ऐसे चीजों को आपको परोसा जा रहा है, ऐसे चीजों को आपको दिया जा रहा है, फिर भी आप उसको नहीं स्वीकार करो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आने वाले दिनों में लोग अपने दुर्भाग्य पर रोएंगे कि 20 मिनट बताया गया था, मैंने किया नहीं, क्या कहूं, अब आंसू के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। एक सूचना मैं दे रहा हूं, आज